विधानसभा चुनाव को पास देख प्रदेश में इनेलो भी बाकी पार्टियों की तरह रैली कर जनता से मुखातिब हो रही है। होडल और पलवल में इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला ने रैली की और इस दौरान होडल में ओपी चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उनकी पार्टी जीत दर्ज कराएगी और सीएम वो बनेंगे। सीएम बनने के बाद जनता के हित में सभी कार्य किए जाएंगे। साथ ही विरोधियों पर वार भी किया और कहा कि जो भी इनेलो के खिलाफ प्रत्याशी उतरा है उनके पास अपार संपत्ति है, ये लोग पैसों से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हमारी मातृशक्ति और चुनावी मां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश नेशनल लोकदल जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। जगदीश नैयर को भारी मतों से विजय प्राप्त करके एक निकाय कायम करना है ताकि रहती सृष्टि तक होटल का इंतजाम संसार में रह सके। मुझे उम्मीद, विश्वास और भरोसा है कि आपकी दी हुई ताकत के बलबूते पर अगर जगदीश एमएलए बनेगा तो फिर एमएलए के वोट से ओम प्रकाश को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा और जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो फिर ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, मैं आपकी भलाई के अच्छे अच्छे काम करने का काम करूंगा। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में उससे भी ज्यादा अच्छे काम करेंगे। हमारी एक सोच है कि किसान मजदूर कमेरा संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। हमारे विरोध में जो लड़ने वाले लोग हैं उनके पास अथाह संपत्ति, लूट का माल, उन्होंने जनता जनार्दन को बेदर्दी से लूटा। मुझे चिंता हो रही है कि अगर चुनाव में पैसा इतना प्रभावी हो गया, पैसे वाले पैसे से टिकट खरीदते, वोट खरीदते और फिर सत्ता प्राप्ति के बाद पद खरीदते, अगर ये परंपरा कायम हो गई तो फिर इस देश का गरीब आदमी तो कभी असेंबली और पार्लियामेंट का दरवाजा भी नहीं देख पाएगा।